मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महाकाल की नगरी उज्जैन में 2 दिवसीय रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2024 का शुभारंभ किया। इस कॉन्क्लेव में देश विदेश से आए उद्योगपतियों से मुख्यमंत्री जी ने निवेश के संबंध में 1-to-1 चर्चा की और आयोजन के लिए सभी को बधाई भी दी। इसी क्रम में आगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा उज्जैन में आयोजित विक्रम सांस्कृतिक पर्व में सहभागिता की गई। उन्होंने आगे कहा कि बाबा महाकाल और सम्राट विक्रमादित्य की नगरी मोक्षदायिनी उज्जैनी कई जन्मों के पुण्य के बाद यहाँ आने का मौका देती है। सीएम ने आगे कहा कि भारतीय संस्कृति का दुनिया में विशेष स्थान है। श्री मित्तल जी ने विक्रम उत्सव के पहले दिन सुरों की जो रसगंगा बहाई है उसके लिए मध्य प्रदेश शासन की ओर से उनका वंदन और अभिनंदन भी किया गया। भारत माता की, भारत माता की, सुनते ही दाड़े चले आए मोहनी, लगाया गले से सुदामा को मोहन आए। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया, किधर पे सुदामा गरीब आ गया। और मुझे याद है मैं पिछली बार उज्जैन में ही हमारे मुख्यमंत्री साहब से मिला था भजनों के ही कार्यक्रम में, और मैंने उस समय इन्हें कहा था कि महाकाल वाले ही एमपी को चलाएंगे, और आज वही बात सत्य हो गई। एक बार जरा ताली बजाकर महाकाल वाले एमपी को चला रहे हैं। यह सब उस प्रभु की माया है, महाकाल की माया है। जो नाम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो नाम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम ओ भगवान लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे, भारत में फिर से हम प्रधानमंत्री जी। आजकल सबसे पहले उन्होंने मोहन जी को खोजा, अब वो द्वारिकाधीश में जाके मोहन को खोज रहे हैं, क्योंकि तीसरे मोहन की तैयारी है मथुरा वाले की। तो मोहन ही मोहन हो रहा है, 22 जनवरी से पहले राम राम हो रहा था, अब मोहन ही मोहन हो रहा है। ताली बजाकर कहना, ओ घनश्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो। एकमात्र संस्कृति है भारत की जो ये सुर को जानती, इसलिए कहते शांत हो गया। सुर शांत होते हैं, सुर समाप्त नहीं होते हैं। शरीर का ये जो हमारा विशेष गुण है, इसके कारण से भारतीय संस्कृति दुनिया में अपना विशेष स्थान पाती है कि जो रोम रोम से जो स्वर गंगा बहती है, ये रिदम परमात्मा से हमारा आजीवन लगा रहता है, और उस आजीवन लगे रहने रिदम को उद्वेलित करते आनंदित करते हुए जिस रस गंगा में डुबाया। कन्हैया जी आपका मैं कोटि से बधाई देता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और क्या उत्साह उमंग के साथ, जोश और ऊर्जा के साथ। स्वर तो अपने आनंद देते ही हैं, लेकिन शरीर की ऊर्जा और ज्यादा मजा दे देती है। ये जो आनंद बरसता है, ये हमारे कृष्ण कन्हैया लाल की वो याद दिलाता है कि कृष्ण कन्हैया 5000 साल पहले गोकुल वृंदावन में क्या उछल उछल के कैसे अपने लीला दिखाता होगा, उसका लघु रूप हमारे सबके सामने आता है। मेरी अपनी ओर से, मध्य प्रदेश शासन की ओर से आपका वंदन है, अभिनंदन है। विक्रमोत्सव के पहले दिन आपने ये रसगंगा बहाई है, माँ छिपरा के किनारे आप आए हो, पवित्र जमुना गंगा
ऐसे देव प्रदेश उत्तर प्रदेश से, तो उसके आधार पर निश्चित रूप से परमात्मा आपकी सभी इच्छा कांक्षा पूरी करे। मेरी शुभकामना है, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन खींची की रिपोर्ट।